गाइज, अगर आप सब भी इक्विटस बैंक अकाउंट ओपन किए हैं, बता दूं कि इक्विटस एक स्मॉल सेविंग अकाउंट है। अगर आप सब इक्विटस सेविंग अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इक्विटस और साथ में HDFC बैंक के मिल के ये दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है। ये दोनों क्रेडिट कार्ड आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूँ कि आप इक्विटस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए इसमें बहुत अच्छा खासा फैसिलिटी भी इंक्लूड करके दिया गया है। सबसे पहले बता दूं कि इक्विटस के द्वारा दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया जो कि पावर बाय HDFC बैंक रहेगा, यानी HDFC बैंक और इक्विटस बैंक लिंक करके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, जिस क्रेडिट कार्ड नाम है सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। एक क्रेडिट कार्ड, पहला क्रेडिट कार्ड का नाम है एक्साइड क्रेडिट कार्ड और दूसरा का नाम है एलिगेंस क्रेडिट कार्ड। एलिगेंस क्रेडिट कार्ड का बता दूं कि इसका जो लिमिट कम से कम आपको 2 लाख मिलेगा। अगर आप यहीं पर एक्साइड क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इधर भी आपको 25,000 से लेकर 2 लाख के बीच में आपको लिमिट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड उनको ही मिलेगा जिनके पास इक्विटस अकाउंट यानी इक्विटस सेविंग अकाउंट अवेलेबल है, उनको ही ये क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अगर आप अभी तो ओपन नहीं किए हैं इक्विटस सेविंग अकाउंट तो आप जरूर ओपन कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ कि किस तरीके से अकाउंट ओपन होता है, उस वीडियो का लिंक वीडियो का आइकन पर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख लीजिएगा। गाइस, सबसे पहले अगर आप इक्विटस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ एक्साइड क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से जो एक्साइड क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्लाइट या होटल में जाकर अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उधर आपको टोटल 2x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। साथ में किराना सुपरमार्केट स्टोर पर जाकर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं मनी को, तो उधर भी आपको टोटल 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। साथ में गाइस, अगर आप जब कार्ड लेते हैं उसके 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप 50,000 रुपया स्पेंड कर देते हैं ना, 50,000 स्पेंड करने के ऊपर भी आपको टोटल 1500 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। अगर आप यहीं पे 1 साल के अंदर अंदर आप 5 लाख तक समथिंग अगर बैलेंस को स्पेंड कर देते हैं तो उधर आपको टोटल 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में बता दूं कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है ना, हर एक क्रेडिट कार्ड में प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि अभी ये जो इक्विटस HDFC बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया ये क्रेडिट कार्ड उनको ही मिलेगा। लेकिन बता दूं कि लिमिट कब मिलेगा पहले आप ये जान लीजिए। अगर आप इक्विटस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इक्विटस यानी न्यूएक्स बैंक अकाउंट में आपको अच्छा खासा बैलेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि कम से कम आपको मंथली को 10,000 से 15,000 रुपये उस अकाउंट में आपको रखना पड़ेगा, जिससे आपका अकाउंट को मेंटेनेंस जो है अच्छे तरीके से शो हो सके और आपके नाम पे जल्दी से जल्दी अप्रूवल भी मिल सके। अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूँ न्यू एक्स अकाउंट को आप ओपन कर लीजिए। न्यू एक्स अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है, आपके पास एक पैन कार्ड एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बदौलत आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर अपने अकाउंट में आप 10,000 से 15,000 रुपये आप मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। अगर आप मेंटेन करके रखेंगे ना तो आप सबके दोनों क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जो कि बता दूं कि एक जो कि क्रेडिट कार्ड है जो है ये एक्साइड क्रेडिट कार्ड, ये एक्साइड क्रेडिट कार्ड आपको सबको मिल जाएगा, बशर्ते एलिगेंस क्रेडिट कार्ड जो है वो थोड़ा प्रीमियम है तो उसमें थोड़ा मिलने का चांस कम रहेगा, बट एक्साइड क्रेडिट कार्ड आप सबको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूं इस वीडियो में, आप सब अपने अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और अकाउंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे तो ही जाके मिलेगा। अगर आप अपना अकाउंट आप HDFC में रखे हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है इक्विटस अकाउंट वाले को ही मिलेगा। अगर आप इक्विटस में अकाउंट ओपन करेंगे तो ही आपको मिलेगा। अगर आप HDFC बैंक का कस्टमर हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको 99% नहीं मिलेगा, 1% मिल भी सकता है बट 99% चांस जो है आपको नहीं के बराबर है, नहीं ही मिलेगा। ओनली फॉर मिलने वाला है तो ये मिलेगा इक्विटस बैंक अकाउंट वाले को ही मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड, तो साथ में क्रेडिट स्कोर भी आपको जनरेट होता रहेगा और साथ में जब क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाएगा फिर आपको अदर बैंक का भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सो गाइस, कुछ अपडेट था जो कि इस वीडियो में कवर कर दिया हूं। आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो पसंद आया हो, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।